तो अभी तो ठंडा का लग गया, थोड़ा ठंडा लग रहा है। मैं रात में वीडियो कर रहा हूँ, तो आज ही वीडियो के अंदर आपको देखूँगा फिलिप्स टीवी का लॉक ओपन करके। तो मैं बहुत अलग अलग कंपनी का लॉक ओपन करके देखाया दोस्तों। इसी तरह वीडियो बहुत टेक्नीशियन के भी फायदा आता है, और जो टेक्नीशियन भी लोग नहीं है जिसका घर का अंदर इस तरह टीवी रहता है, वो भी देखने के बाद इस तरह प्रॉब्लम को घर का अंदर आसानी से सॉल्व कर सकता है। बट कुछ टेक्नीशियन दोस्त इस तरह वीडियो देखने के बाद मुझे को गाली भी देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको वीडियो के अंदर लॉक ओपन कैसे किया जाता है फिलिप्स टीवी के अंदर, ये आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा। और मॉडल नंबर जो है टीवी का वो मैं नोट करने के लिए भूल गया, तो तभी इसका अंदर जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए कि इसका अंदर ये जो प्रोसेसर आईसी है और उसके बाद किस तरह प्रॉब्लम ये आता है आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम को अच्छा करके फॉलो कीजिए, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। और इस तरह प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा तो इस तरह प्रॉब्लम ये रिपेयर अब नहीं हो सकता है कि आपका वो प्रॉब्लम रिपेयर नहीं होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ज़रूर आप बताएगा कि आप रॉन्ग वीडियो फेक वीडियो बनाया। तो इसलिए प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए, इसी तरह सेम सिम्टम होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह सेम मॉडल नहीं होगा तो इसके अंदर इसी तरह सेम आईसी भी होना चाहिए, तब ये प्रोसेसर प्रोसेस काम करेगा। तो चलिए मैं वीडियो कॉल ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, टीवी को मैं ऑन किया, प्रॉब्लम को अच्छा करके फॉलो कीजिए। ठीक है, इसका जो पैनल बॉटम है ये मैं एक एक बॉटम पुश करके आपको दिखाता हूँ। कुछ भी बॉटम पुश करने का साथ साथ स्क्रीन पर पैनल लॉक इस तरह लिखा शो हो रहा है, देखिए पैनल लॉक। ठीक है, इस तरह ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, आपको सब कुछ देखूंगा जितना प्रॉब्लम इसके अंदर शो हो रहा है। देखिए पैनल लॉक, तो वॉल्यूम जो बॉटम, मेनू बॉटम, कुछ भी बॉटम, ठीक है, चैनल बॉटम पुश करने का साथ साथ पैनल लॉक इस तरह लिखा शो हो रहा है। बट दोस्तों ये जो रिमोट है, रिमोट का अलग अलग बटन दबाने के बाद देखिए ये जो वॉल्यूम ओनली 12, 12, ठीक है, ये 12 का ऊपर नहीं जा रहा है। अब अच्छा करके देखिए ये डाउन हो रहा है, बट ये जीरो हो गया वॉल्यूम को। जीरो करने के बाद जब मैं वॉल्यूम को फुल करने की कोशिश किया तो ये 12 का ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये दूसरा एक प्रॉब्लम है। तो और देखिए, जब चैनल बटन पुश कर रहा हूँ ये चैनल चेंज हो रहा है, मतलब रिमोट का जो अलग अलग बटन सब कुछ कम कर रहा है। दो मेन प्रॉब्लम हो गया, वॉल्यूम 12 का ऊपर नहीं जा रहा है, और मैं टीवी का बॉटम पुश करने के बाद पैनल लॉक शो हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम जो है पैनल लॉक। ठीक है, और रिमोट को अच्छा करके देखिए, देखने के बाद ये रिमोट का जो जो आपको देखाता हूँ क्लियर करके देखिए, ऊपर पोजीशन रेड बॉटम है, नीचे जो दो नंबर देखिए लॉक का एक बॉटम है। ये लॉक बटन दबाने के बाद स्क्रीन के अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉक बटन ख़राब है क्या? नहीं तो दोस्तों ये लॉक बटन ख़राब नहीं है, ये लॉक बटन अभी काम नहीं कर रहा है, बट ये लॉक बटन से ही ओपन होगा। मैं देखिए लॉन्ग टाइम पुश करके रखा हूँ, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का ऊपर, 15 सेकेंड का ऊपर भी पुश करके रखा हूँ, तब भी काम नहीं कर रहा है। बट दोस्तों ये लॉक बटन ख़राब नहीं है, ओके है। तो कैसे ये काम किया जाता है, इसको कैसे वर्किंग मोड पर लेके आना पड़ेगा आपको दिखाऊंगा। उसका पहले रिमोट चेकर लेके आपको एक बार दिखाता हूँ कि जो लॉक बटन है ये ओके है, काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये लॉक बटन काम कर रहा है, मतलब बटन ओके है, तब भी टीवी के अंदर काम नहीं कर रहा है। तो कैसे इसको एक्टिव किया जाता है, आपको ये फर्स्ट ऐप टिप करना पड़ेगा लॉक बॉटम को। बट इसका अलग अलग बॉटम देखिए सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग बॉटम। तो दोस्तों चलिए आपको इसी टाइम दिखाऊंगा कि किस तरह इसको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए, यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत दिन याद में नहीं रहता है हर टाइम।
देखिए ये जो ऑप्शन ओपन हो गया, एंटर लॉक कोड मेनू लॉक कोड, ये ओपन हो गया। ये किस तरह ओपन किया देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो जीरो है, ये जो जीरो बॉटम है, जीरो बॉटम को आपको 4 बार पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट वो चार्ट कैसे मैं लेके आया, ये भी आपको वीडियो के अंदर देखूंगा। देखिए चार्ट को देखिए, पेन एंड लॉक ऑन है, वॉल्यूम लॉक ऑन है, मतलब ये सब ऑन हो गया, ये लॉक को ऑफ करना पड़ेगा। देखिए ये चार्ट फिर भी आ गया, और किस तरह ये चार्ट आ गया आपको ये भी देखाऊंगा मैं। थोड़ा टेस्ट करने के बाद ये आ गया, बट कैसे ये चार्ट को लेके आया ये भी आपको देखाऊंगा, तब आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चार्ट को लेके आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए लॉक, और ये ऊपर से नहीं नीचे नाम आ रहा है, बट नीचे का बॉटम पुश करने के बाद उसके बाद ऊपर आप लेके जा सकते हो। तो ये वॉल्यूम लॉक ये सब मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, पैनल लॉक, वॉल्यूम लॉक, ठीक है, ये सब ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये काम करेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका मन में जो डाउट चल रहा है, ये चैट कैसे मैं लेके आया आपको देखूंगा प्रैक्टिकली। देखिए अभी ये ओपन है, आप इसी टाइम जितना बार लॉक बटन दबाएंगे तो काम करेगा, ठीक है। लॉक बटन जितना बार दबाओगे, बट कुछ अलग अलग, देखिए इसी का साथ वॉल्यूम जो प्रॉब्लम 12 पर था सिलेक्ट, उसका ऊपर नहीं जा रहा था, तो अभी भी ये वॉल्यूम भी अप पर जा रहा है, पैनल भी काम कर रहा है, ठीक है, रिमोट भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, चैनल भी पैनल से चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ। तो ये जो कुछ टाइम में ये दबा रहा हूँ, ये कुछ टाइम दबाने का बाद दोस्तों जो लॉक बटन है वो काम नहीं करेगा, मतलब जिस तरह मैं ओपन किया ऑप्शन को वो फिर भी काम नहीं करेगा कुछ टाइम इधर उधर दबाने के बाद। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी प्रैक्टिकली इसी टाइम आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखिए इसका जो अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह अलग अलग ऑप्शन पुश करने के बाद लॉक बटन काम नहीं करेगा। तो कैसे काम करना पड़ेगा, लॉक काम करना पड़ेगा लॉक बटन को। देखिए कुछ इधर उधर बटन चेंज करके मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी टाइम अच्छा करके फॉलो कीजिए, मैं बहुत क्लियर करके आपको समझाऊंगा और मैं सब कुछ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। अभी सब कुछ ओके काम कर रहा है, ठीक है, तो अभी ए वी मोड पर सिलेक्ट है, ठीक है। और इसी टाइम दोस्तों देखिए जो वॉल्यूम भी अप डाउन हो रहा है, ठीक है, आपको बार बार दिखाता हूँ इसलिए कि आपको मन में कुछ डाउट ना हो जाए। आप ये सब फिर भी एडजस्ट कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। तो लॉक कैसे किए थे मैं नहीं बताऊंगा। अभी देखिए लॉक बटन को मैं पुश कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी स्क्रीन का अंदर देखिए लिखा नहीं आ रहा है। देखिए लॉक बटन पुश करने के बाद कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जिस तरह मैं किया, ये जो जीरो बॉटम है, जीरो बॉटम को 4 बार पुश करना पड़ेगा स्क्रीन का अंदर, कुछ टाइम का अंदर ही जीरो लिखा शो होगा, देखिए। उसका बाद दोस्तों लॉक बटन को पुश करना पड़ेगा, देखिए लॉक बटन पुश करने के बाद इस तरह चार्ट आ जाता है, ये सीक्रेट है, बहुत ही सीक्रेट है दोस्तों। ये जब चार्ट आ जाएगा उसका बाद इसका अंदर जो ऑन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पैन एंड लॉक, वॉल्यूम लॉक, वो लॉक को आपको ऑफ करना पड़ेगा। यही दोस्तों सिस्टम है। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।